The problem started the way in 2018 when we were in Bhopal. There was ki awaaz hi nahi aa rahi thi. Then that problem was used to happen quite often. जो भी मुझे देखता था तो सब बोलते थे ये क्या हो रहा है, ये ऊंचा ऊंचा क्या है, और ऑल्सो मेरे बच्चे वो मजाक बनाते हैं कि मम्मी बीच में ये क्या है ऊंचा ऊंचा. क्या एक मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को जिनको प्रॉब्लम है नोज की और वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाए? The beauty of this surgery, the most important thing, patient have only one concern regarding the scar. We have only, I think, the 10th or 11th day. And look your nose. If I examine with the telescope, then we not examine where we have opened the nose. मेरा नाम शिरीन है एंड मैं कोटा से हूँ. मेरी नोज में पहले सर्जरी हुई है. सर्जरी से पहले क्या प्रॉब्लम थी मैडम? सर्जरी से पहले मेरी नोज का जो हड्डी है वो तिरछी थी. अच्छा अच्छा. तो उसके लिए हमने उसको सर्जरी करवाई है. उसके बाद से वो और ज्यादा खराब हो गई थी. उसमें पॉइंट आ गया था यहाँ पर, इस वजह से हमने थोड़े टाइम बाद वापस उसको नोज के लिए हमने कंसल्ट किया बहुत सारे डॉक्टर्स से. तो हम कोटा में डॉक्टर इमरान से मिले. उन्होंने कहा कि अगर आपको करवाना है नोज की सर्जरी रिपीट करवानी है तो आपको जयपुर में दुर्गिन हॉस्पिटल में ही होगा अगर आपका करवाना है. तो फिर हम यहाँ आए, आपसे कंसल्ट किया. बट मैडम एक बात बताओ, जैसे आपकी सर्जरी पहले हो चुकी है, आई थिंक एक ह्यूमन नेचर होती है जब हमारी सर्जरी हो जाती है एंड फिर कोई दोबारा सर्जरी बताता है तो बहुत ऑकवर्ड लगता है एंड हमें आई थिंक लगता है कई बार डॉक्टर से विश्वास उठ जाता है कि कराना नहीं चले. देन हाउ यू डिसाइड कि मेरे को दोबारा सर्जरी सर से करानी चाहिए? वो इसलिए क्योंकि जो भी मुझे देखता था तो सब बोलते थे ये क्या हो रहा है, ये ऊंचा ऊंचा क्या है, मतलब सबका क्वेश्चन रहता था ये. और ऑल्सो मेरे बच्चे वो मजाक बनाते हैं कि मम्मी बीच में ये क्या है ऊंचा ऊंचा. अच्छा. तो बस मैंने सोच लिया था मुझे कराना है और कराना ही है. इनका भी थैंक यू सो मच आपका कि वो सपोर्ट. हम बात करेंगे सर से भी, सपोर्ट किया और आज मैं बहुत खुश हूँ. बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ. आपको कोई प्रॉब्लम, आपको कोई समस्या हॉस्पिटल में यहाँ? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं. सब चीज अच्छा था स्टाफ से लेके. आप तो बहुत ही अच्छे हैं. एक इम्पोर्टेंट चीज है जो अभी बहुत सारी फीमेल्स आप जैसे ऐसे हैं एंड आपके तो सर बड़े अच्छे थे जो इन्होंने क्या डिसाइड किया. अभी भी बहुत सारे लोग अपनी इस प्रॉब्लम के कारण परेशान होते हैं समहाउ, आई डोंट नो कि वो ट्रीटमेंट नहीं कराते. क्या एक मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को जिनको प्रॉब्लम है नोज की और वो ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे? आप फाइनेंशियली नहीं कराते हैं, सोच के रह जाते हैं. बाकी ये है कि वो लुकिंग वाइज अगर देखा है कि हाँ कुछ है तो दिक्कत, या फिर इंटरनल है तो फिर तो कराना ही चाहिए. आप इलाज जी बिल्कुल कराना ही चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि अभी एक ही तो लाइफ है. थैंक यू मैम. अब हम सर का जानते हैं इसमें. सर ये लगा रहे आपका इसमें एक सर बहुत बड़ा रोल है सर्जरी कराने के पीछे, क्योंकि जब तक एक मेल नहीं चाहता कोई जो है तो हमने ये ट्रीटमेंट नहीं करा. आप बताएंगे सर इनका थोड़ा जर्नी के बारे में? वेल माय नेम इज साबिर एंड लेट मी गो इनटू लिटिल बिट ऑफ पास्ट. द प्रॉब्लम स्टार्टेड द वे इन 2018 व्हेन वी वर इन भोपाल. देयर वाज की आवाज ही नहीं आ रही थी. देन दैट प्रॉब्लम वाज यूज्ड टू हैपन क्वाइट ऑफन and I was a little bit worried and the doctor over there suggested ki operation karna padega and since we are from Kota to humne thoda socha ki Bhopal to hamare liye like pardes hai, chalo Kota hi karwate hain. Then I sent her to Kota. Wahan pe hua hai just because of some one or the other reason there was deformity and that deformity was quite visible over there, so it was a quite anxious moment for us when someone asks you to ki ye kya hua hai and it was little awkward for her as well. She went to the Dr. Imran over there in Kota. Then he only suggested, and fortunately Dr. Imran is known to my brother. He's also a medico, my sister-in-law Bhabi, and they both are well established in medical college Jhalawar, and they also suggested ki go ahead. And then another part was the of this ki kahan pe karwaye. Then Dr. Imran suggested ki aap Jaipur Durbin Hospital jaiye, and fortunately we are staying nearby only. Okay. It's just around 1 kilometer from here. Then मैंने कहा ठीक है पास में है तो. And अब ये plan चल रहा था कि now we are shifting to Kota, कि before moving to Kota we should go ahead with this. Yes, yes. And the another part of this कि financially, I would say कि financially यहाँ पर आपको जो facilities मिलती हैं, the discussion was started in the September itself and
it took around 4 to 5 months to go ahead earlier and to decide it further कि हम करवाएं या नहीं करवाएं. Then हम decide कर चुके थे पहले ही September में कि इसको Jan या Feb में हम करवाएंगे. And accordingly we did it. And staying at the hospital for 2 nights, I can say कि I enjoyed actually here with my daughter. And even she did not say anything about कि hospital ऐसा है वैसा है. It was like a home for us. So I enjoyed it. And yes, there should be a support from each and every individual to his wife or any of the family member, especially in case of females, because they are more concerned about the beauty, and male are more concerned about their, you know, financial matters here and there. Yes. But वो कहते हैं हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा. Exactly. तो finally it happened and we are happy now. Thank you so much. Thank you so much, sir. And the most important thing, the key thing जो सर ने बताई, I think everyone, the male, they should support to her wife, and if really she have the problem regarding the looking and regarding the breathing, I think definitely go for the correction, because जैसे इन्होंने जो बताया इनकी बड़ी अच्छी बात की जिंदगी एक ही बार मिलती है, but definitely अगर आपको problem है so उसको correct हमें कराना चाहिए. हमारी बहुत बार क्या है कि कई बार male ego problem होती है कि अगर male को problem है तो हम करेक्ट करा लेंगे, बट फीमेल को है तो नहीं करा देते. सर एक एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, जैसे मैडम ने जो है बोला और इन्होंने इनका ट्रीटमेंट कराया, एंड टुडे नाउ शी इज सो हैप्पी एंड आई एम आल्सो हैप्पी. बिकॉज क्या है कि जो प्रॉब्लम अगर नोज में है, आपको ब्रीदिंग नहीं हो रही है, और अगर रिगार्डिंग द लुक भी प्रॉब्लम, हम कितनी बार हमारी नोज को दिन में देखते हैं. सो जब करेक्ट होता है तो रिगार्डिंग ब्रीदिंग भी करेक्ट होता है, एंड देन हमारा लुक करेक्ट होता है. वी हैव ए चेंज द लिविंग लाइफ स्टाइल क्योंकि वी हैव अ मोर कॉन्फिडेंशियल आफ्टर दैट. सो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सर और इन मैडम की जैसे ट्रीटमेंट कराना चाहिए. एंड थैंक यू अगेन बिकॉज आपने हमारे पे बिलीव किया, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट वी गिव अवर द बेस्ट रिजल्ट. थैंक यू सो मच. थैंक्स.